अगर आप मेरी वीडियो को मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, टुडे प्रेट रिस्क के जान से महताब खान। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप कैसे अपने यूट्यूब चैनल की अर्निंग को, अपने यूट्यूब की कमाई को कैसे आप बढ़ा सकते हैं। तो बिल्कुल एक ओरिजिनल मेथड बताने जा रहा हूं। इसमें कोई इनलीगल कोई ऐसा काम नहीं होगा जिसके थ्रू आपको कोई भी डर या कोई भी खतरा हो, मतलब बिल्कुल 100% ओरिजिनल है। अब ये मैं आपको बताता हूँ कि काफ़ी अरसे मैं 1 साल या 2 साल से YouTube का चैनल चला रहा हूँ, तो मुझे भी सेटिंग्स का नहीं पता था, तो जिसकी वजह से मेरी अर्निंग बहुत ज़्यादा कम थी। तो जब से ये मैंने सेटिंग्स ऑन की है, ये सेटिंग मतलब अनेबल की है, उसके बाद मेरी अर्निंग में अच्छी भली डिफरेंस मुझे नज़र आया है पहले की अर्निंग में और अब की अर्निंग में। तो मैं चलता हूँ अपनी वीडियो के टॉपिक की तरफ। तो इसमें होता है, इसमें अगर आप ये आज की जो वीडियो है ये उन भाइयों के लिए जिनका यूट्यूब चैनल है, तो जिन भाइयों का यूट्यूब चैनल है वो ये वीडियो लाजमी देखें, उनके लिए ये बहुत ही अच्छी और मुफीद यूजफुल वीडियो होगी। बहुत से ऐसे लोग हैं जो छुपाते हैं, मतलब ऐसे सेटिंग भी बताते हैं, लेकिन मेरा उन लोगों या उनसे कोई शिकवा नहीं है। मेरी एक अपना एक माइंड सेट है, मेरी एक अपनी थिंकिंग है, मैं वो चीज़ बताना चाहता हूँ जिससे मुझे भी फ़ायदा हो और दूसरों को भी फ़ायदा हो। तो चलते हैं अपनी वीडियो के टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले मैं यहाँ से अपना चैनल ओपन कर लेता हूँ। तो आपने वही चैनल पे डैशबोर्ड और नीचे आपने चैनल में जाना है और अपलोड डिफॉल्ट्स में चले जाना है। अब डिफॉल्ट्स में जाने के बाद तो जो मेरी जो मोनेटाइजेशन थी, जो भी मैंने स्क्रीनशॉट पहले का बनाया है, उसमें ओवरले एड्स, स्पॉन्सर एड्स और स्किपेबल वीडियो एड्स थे। तो अब क्योंकि यूट्यूब की तरफ से अब जो पहले लॉन्ग स्किपेबल एड्स थे, नॉन स्किपेबल एड्स थे, वो तो ख़त्म हो गया। उसके बाद जो न्यू उन्होंने टर्म जो पहले से जो बहुत भाइयों को नहीं पता यूट्यूब पे जिनका चैनल है, तो एक न्यू चीज़ है नॉन स्किपेबल एड्स। तो इसमें ये होता है कि वो आप अगर आपके व्यूवर देख रहे हैं तो वो स्किप नहीं कर सकते, उन्हें लाजमी उस एड देखना पड़ेगा, उसके बाद ही वो आपकी वीडियो ओपन होगी। तो अब पहले ये मेरी सेटिंग्स थी और अब ये आप देखें, मेरी ये देखें ओवरले एड्स, स्पॉन्सर कार्ड्स, स्किपेबल वीडियोस कार्ड और ये नॉन स्किपेबल वीडियो एड्स। तो ये देखें, ये मैंने ये सेटिंग कैसे की है, और ये देखें यहाँ पे भी मेरा बिल्कुल नॉन स्किपेबल एड्स बिल्कुल शो हो रहा है। तो पहले मेरी सेटिंग्स मैंने आपको जैसे दिखाई है और अब मेरी जो सेटिंग है वो मैं दिखाई। तो इसमें मैंने किया क्या है, इसमें मैंने सिंपल मैंने जो किया है वही मैं आपको बताऊंगा, और आपने जो करना है अपने नॉन स्किपेबल एड्स को एक्टिव करने के लिए, तो आपने सिंपल यहाँ पे हेल्प और फीडबैक इसको क्लिक कर लेना है। इसको क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे जाना है नीडेड मोर हेल्प्स में जाने के बाद आपने यहाँ पे गेट क्रिएटर सपोर्ट, यहाँ पे जाने के बाद आपने ये चैनल और वीडियो फीचर्स, मोनेटाइजेशन को आपने नहीं करना। काफ़ी से लोगों मोनेटाइजेशन में एडसेंस पे क्लिक कर देंगे, लेकिन नहीं, ये चैनल और वीडियो फीचर्स में आपने जाना है। यहाँ पे जाने के बाद आपने ये ईमेल और सपोर्ट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने अपना नेम देना है, फिर लास्ट नेम देना है, फिर ईमेल एड्रेस जिसमें आप ईमेल जो आपको आएगी यूट्यूब की तरफ से वो देनी है, उसके बाद यहाँ चैनल यूआरएल देना है। तो इतनी सेटिंग्स पहले मैं कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं अपना चैनल यूआरएल कॉपी करके उसके बाद यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे पेस्ट कर दिया है मैंने अपना चैनल नेम, यहाँ मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे आपने अपनी प्रॉब्लम या जो भी आप समझते हैं वो आपने यहाँ पे लिखना है। तो मैं जो लिखता हूँ, जो मैं लिखूँगा वो मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखे होगा, आप वहाँ से कॉपी पेस्ट कर लें। इसमें कोई ऐसा इशू नहीं आएगा, जैसे आपके एक माइंड में सवाल आएगा या कोई भी आपका एक होगा, एक सोच आई होगी कि यार ये क्या है, यहाँ से अगर मैं कॉपी पेस्ट करूँगा तो गूगल या यूट्यूब जो भी है वो ये ना समझे कि मैं आपने मेरे लिए, ऐसा कोई भी नहीं है। आपने सिंपल जो मैं यहाँ पे लिखूँगा वही आप लिखिए, उसके बाद आप
उसको सबमिट जैसे भी मैं करता हूँ आगे, तो वही आप करेंगे, कोई इशू नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ जल्दी। तो ये जैसे मैंने लिखा, हेलो यूट्यूब टीम, आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू हेल्प मी टू एक्टिव नॉन स्किपेबल एड्स ऑन यूट्यूब चैनल एंड थैंक यू। बस आपने यही मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखा होगा, यही आप कॉपी कर लें या खुद लिख लें, इसमें कोई नहीं। तो इज योर इश्यू अबाउट स्पेसिफिक वीडियो, तो आपने यहाँ पे नो कर देना है। इज दिस अ रिक्वेस्ट फॉर अ वेरिफिकेशन बैच, तो ये मेरा वेरिफिकेशन बैच लेनी है, तो यहाँ पे आपने नो करके सबमिटेड कर देना, क्योंकि मैंने तो ऑलरेडी ये सेटिंग्स की हुई है, तो मैं इसलिए अब इसे सबमिट नहीं करता हूँ। आपने यहाँ पे सबमिटेड कर देना, तो उसके बाद आपकी ईमेल जो आपने दी होगी उसमें क्या आएगा, उसमें यही एक यूट्यूब की टीम की तरफ से एक उनका मैसेज आएगा, एक ईमेल आएगा, उसमें यही लिखा होगा हाय एंड थैंक यू फॉर इस पॉसिबल योर हेल्प रिप्लाई दिस, इसमें यही लिखा होगा कि आपको बहुत जल्दी आपको यूट्यूब की टीम की तरफ से एक और ईमेल आएगा जिसमें आपको हाँ या ना, मतलब इसमें ये होगा कि आपको एक्टिव कर दिया या नहीं किया। तो अबाउट 8 से 9 या 12 से 13 घंटे तक ये ईमेल आ जाती है, तो इतनी जल्दी नहीं आती है, तकरीबन 1 डेढ़ 24 घंटे तक का टाइम होता है, लेकिन उससे पहले पहले आ जाती है। तो जैसे ये अब दूसरी ईमेल मुझे आई हुई है, तो ऐसे ही आपको फिर दूसरी ईमेल आ जाएगी। तो ये देखें, यहाँ पे उन्होंने यही बताया कि आपके 30 सेकंड का जो एड है, स्किपेबल एड्स हैं, वो आपके अनेबल हो गए हैं। तो आप वीडियो मैनेजर में जाके, जैसे हमें यहाँ वीडियो मैनेजर में जाने के बाद, तो यहाँ पे आपने दोबारा वीडियो यहाँ पे जाना है अपने चैनल में, और चैनल में जाने के बाद आपने ये डैशबोर्ड जब आ जाएगा, फिर चैनल में आपने जाने के बाद अपलोड डिफॉल्ट में जाना है, और यहाँ पे नॉन स्किपेबल आया होगा, यहाँ पे आपने टिक करके और जस्ट इसको सेव कर देना यहाँ से, और उसके बाद आपकी वीडियोस जो भी मोनेटाइजेशन होगी उसमें ऑटो नॉन स्किपेबल एड्स इंक्लूड होंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज की आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आज की आपको वीडियो और मेरी कोशिश पसंद आई है, तो काइंडली वीडियो को लाजमी लाइक करें, और उसके बाद अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या प्रॉब्लम है, तो आप नीचे मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा टुडे फ्री ट्रिक्स यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो वीडियो के दरमियान में एक गोल सा बटन आ रहा है, उसको आपने क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दुआ उम्मीद के साथ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह अपने आने वाली वीडियो से बेहतर बेहतर लाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। मुझे दुआ में याद रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़।